सबसे पहले कराची से खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 की एक रहायशी इमारत में होने वाले पुर इसरार धमाके के नतीजे में 5 अफराद जान बख्श जबकि 28 से ज्यादा जख्मी हो चुके। धमाका तकरीब कारी का नतीजा या इतफाकी वाकया, पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। पुलिस के मुताबिक धमाका फ्लैट में हुआ, ताहम नोयत का फौरी तौर पर इलम नहीं हो सका, जिसके लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर मुआयना कर रही हैं। और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ओपोजिशन से मुतल्लिक कहना है कि कौम ने ओपोजिशन का शर अंगेज बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में ओपोजिशन से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि ओपोजिशन की अदारों को मुतनाज़ा बनाने की साजिश पूरी तरह नाकाम हुई। ओपोजिशन का शर अंगेज बयानिया कौम की जानब से यकसर मुस्तरद कर दिया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क को खोखला करने वाले आज इंतशार से तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ओपोजिशन जाती मफादात की खातर कौमी इतिहाद को पारा पारा कर रही है। और सिंध हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल पर अहम पेशे रफ सामने आई। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी सिंध, एडिशनल आईजी और डीआईजी समेत तमाम सीनियर अफसरान को आज तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान को सुबह 11 बजे वज़ीर आला हाउस तलब कर लिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कराची के इलाके मिस्किन चरंगी पर होने वाले धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया। तर्जमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कराची में शहरियों की जानो माल की हिफाजत करने के अज़म का इजहार भी किया।